बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज है वृंदावन का डे 3 और आज हम करने वाले हैं वृंदावन में शॉपिंग, जो हमेशा एक रिचुअल होता है हर ब्लॉग में कि एक शॉपिंग ब्लॉग तो बनता ही है, क्योंकि वृंदावन बार बार देखो आया नहीं जाता है। बहुत मुश्किल से ये प्लान बना और शॉपिंग किए बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो अभी हमें शिवम आएगा क्योंकि उसको ये आइडिया है कहाँ पे अच्छी शॉपिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि उसको यहाँ के रेट्स का भी पता है। और जितने लोग भी उसको व्लॉग में गंजा लिख रहे थे मत लिखो, क्योंकि उसने किसी रीजन से बाल कट कराए हैं। और शिवम कौन है बार बार ऐसे पूछ भी रहे थे, तो किसी ने जवाब दिया भी था कि मैंने पुराने व्लॉग्स में बताया था कौन है, इसलिए मैंने फिर इंट्रोडक्शन दिया नहीं। अब पुराने व्लॉग्स देख लेना जिसे जानने शिवम कौन है। तो अभी मैं और काजल जा रहे हैं शॉपिंग करने और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेने वाले हैं। बना रही हूँ। अरे बना। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे भी बना है। कहाँ पे? जीरा के टुकड़े आपके। नहीं नहीं फैब्रिक कपड़ा। अच्छा कपड़ा। काजल तुझे इस बार ये बैग नहीं चाहिए? ले लो मैम, इसमें दो कलर हैं, तेरी साड़ी पे अच्छा लगेगा। बहुत हो गए तेरे हिसाब का, तो ये है वैसे जो तू हर बार लेती है। पैसे तो दिलवा दे। ये भी दिलवा दे। सब ले ले, पर जो इन साड़ियों पे ऐसे बांध रहे हैं ना वो वाले हैं। बैग पैक। हाँ छोटे छोटे। क्या प्राइस है इसका? 650। सही है, उदयपुर में यही 3,000 के दे रहे थे। सही कह रही है। और गाइज आज की मेरी आउटफिट है ये, मैंने क्योंकि हम लोग अभी बाके बिहारी जी के मंदिर गए थे और शिवम की वजह से हम लोगों ने वीआईपी दर्शन किए। मतलब देखो ऐसे उसमें भीड़ में आप जा ही नहीं सकते, ये आपको भी पता है। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मतलब भीड़ से हम लोग अलग अलग गए और हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। काफ़ी ये वाले बैग्स हैं। साहिल को एक ऐसा बैग चाहिए था, लेकिन जब वो आएंगे उनको बोलूँगी कि आप तभी खुद लो, क्योंकि ऐसे तो दिल्ली में तो शायद नहीं पहन के घूमेंगे। यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें रख लो, समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं ये बैग्स। कलर्स भी हैं इसमें काफ़ी सारे। इस शॉप में ना गाइस काफ़ी कुछ था पर हमें ऊपर कुछ पसंद नहीं आया, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। अभी काजल गाइस इत्र ले रही है पापा के लिए, क्योंकि उन्हीं को बहुत ज़्यादा शौक है। अगरबत्ती विटामिन डी हड्डियों के लिए, स्ट्रेस डिप्रेशन दूर करने के लिए। निशान बढ़ गया। नाजुक कली तो बचपन से होती है। यू वेरी काम मॉम, यू नो, लाइक ठीक है बेटा, कल तक जो करना है कोई बात नहीं। ओके टाइट करिए, हाथ सीधा रखना। मिट्टी खोल दीजिए।
सो गाइस वहाँ दूर से मैं आपको दिखाई दे रही हूँ ना, मैं पास नहीं आ सकती क्योंकि बहुत गंदी हालत हो रही है। और जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया कि इस घर की क्या हालत हो चुकी है, तो ये आपको बाद में पता लगेगा क्योंकि अभी हमें बहुत काम है। और अभी तो मैं और काजल और साहिल मिलकर सारी चीज़ें पैक कर रहे हैं, जितनी हमारी मेन मेन चीज़ें हैं। तो ये कार्टेंस हम लोग लेकर आए, मतलब साहिल लेकर आए थे, तो ये नीचे से ऊपर तक सही है लेकिन इसको कवर नहीं कर सकते, ये हमें पैक करने के बाद पता लगा। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको ऊपर से ऐसे कवर करके ही पैक कराएंगे क्योंकि कल आ जाएंगे मूवर्स एंड पैकर्स। और अभी तो पता नहीं गाइस समझ आ नहीं रहा है, हमने ना चारों तरफ सामान फैला दिया है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, क्योंकि धीरे धीरे पैक कर रही हूँ और बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है, टाइम ही नहीं लगा आप सबको कुछ भी बताने का। 15 से 20 दिन हो जाएंगे व्लॉग्स नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है कि तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं सच में कुछ करने की हालत में नहीं थी। ना मैं स्नैपचैट पे एक्टिव थी, ना मैं यूट्यूब पर एक्टिव थी। मैंने वृंदावन में ये शॉपिंग व्लॉग किया था जो आपने अभी देखा, उसके बाद तो मतलब मैं उसको पूरा भी नहीं कर पाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोचा बैठ के तसल्ली से आप लोगों से बात करूंगी तो शायद आपको अपनी चीज़ें और सिचुएशन समझा पाऊं। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है वो कुछ ये है, तो पहले पैक वैक कर लेती हूं और जो जो होता रहेगा आप लोगों को दिखाती रहूंगी। और अभी एक और चीज़ दिखाती हूं। जब मैं लास्ट टाइम दुबई गई थी तो मेरा पूरा जो बैग था उसकी चेन वेन टूट गई थी, उन लोगों ने ये भी तोड़ दिया था। तो अभी मैं और साहिल कल ये न्यू बैग लेकर आए हैं, ये मेरा है और ये आपके प्यारे साहिल भैया का है, उनको पता नहीं ये मल्टी कलर वाला पसंद आया। ये 35 kg अराउंड इसमें सामान आ सकता है लेकिन मेरे वाले में 40 kg आ सकता है क्योंकि आपको पता है कि हर बार मेरे सामान का वेट ज़्यादा होता है। और ये काजल रानी का है क्योंकि काजल को कम सामान लेके जाना है क्योंकि मेरे ही कपड़े पहनेगी ना ऑलमोस्ट। तो ये हम नए बैग्स लेकर आए हैं, तो इसमें भी अलग से पैकिंग होने वाली है क्योंकि ये शिफ्टिंग कुछ अलग हो रही है गाइस, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो अभी मेरी हेल्प कराएगी काजल रानी जो यहाँ पैर हिला रही है, उसको भी मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। तो बस, और हाँ मैंने बहुत सारे गिव अवे के कपड़े निकाले हैं, बहुत 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 सारे, आधे से ज़्यादा मैं डोनेट कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास सच बताऊँ इतना टाइम था ही नहीं कि आप प्यारे प्यारे लोग कमेंट भी करते हो और इतने सारे मतलब मैसेजेस कि मैं यहाँ से अगर जाने लग गई तो शायद मुझे डिलीवर कराने का टाइम ना लगे, तो ये सोच कर मैंने व्लॉग नहीं किया था। बट कोशिश करूँगी कि जितने कपड़े निकाले हैं आप सबके काम आए, जो मैंने बिल्कुल नहीं पहने हैं, जो बिल्कुल नए हैं और जो मैं पहनूंगी भी नहीं, तो कर रही हूँ, चल रही है। वहाँ पे भी बहुत सारे कार्टन्स बनाए हैं तो आपको तो पता ही है, सबका एक ही क्वेश्चन था, काजल इतने कपड़े लेते हो रखते कहाँ हो? ऐसे रख देती हूँ गाइस, जब पहनती नहीं हूँ ऐसे ही रख देती हूँ, कर लेती हूँ काम, बहुत सारा काम है, आज आज का दिन है, उसके बाद हम लोगों को जाना है शूट पे। सारी चीज़ें एक ही दिन में करनी है मुझे और काजल को, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मतलब यही अभी चल रही है मेरी लाइफ जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। बोलते हो तीन दिन जगह से बड़ी कुछ बहुत ही बेहतरीन हो गया।